मंदसौर के पिपलिया मंडी से भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है। पिपलिया मंडी में एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। सगे भाई ने बहन से शारीरिक संबंध बनाने के बाद यह कहते हुए उसे धमकाया कि अगर उसने माँ या किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 24 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब पिपलिया मंडी की अयोध्या बस्ती में रहने वाली 12 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके भाई ने दुष्कर्म किया। घटना के दौरान घर पर पीड़िता और उसका आरोपी भाई के अलावा कोई मौजूद नहीं था। पीड़ित लड़की की माँ और उसका छोटा भाई उस वक्त मजदूरी पर गए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मोबाइल पर अश्लील फिल्म देखने के बाद उत्तेजना में आकर नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया है और उसे धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। घटना के बाद डर के मारे पीड़िता ने यह बात 2 दिन बाद 26 अक्टूबर को अपनी मां को बताई। तब जाकर मां ने पीड़ित बेटी और छोटे भाई के साथ थाने में जाकर बड़े बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर बलात्कार की धाराएं सहित जान से मारने की धमकी देने की धारा में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। परसों 26 तारीख को पीड़िता उसकी माँ और भाई के साथ में, छोटे भाई के साथ में थाने पर आई थी। उसने रिपोर्ट की कि जो उसका सगा भाई है उसने उसके साथ में गलत काम किया है। घटना उसने ऐसी बताई कि उसके पिताजी का स्वर्गवास हुए 6 साल हो चुके हैं और जो पीड़िता है उसकी माँ और पीड़िता से बड़ा भाई आयुष, ये दोनों मजदूरी करते हैं। पीड़िता की माँ और उसका भाई आयुष, ये दोनों मजदूरी करते हैं और ये जो उसका सबसे बड़ा भाई है ये कभी कभार मजदूरी करने जाता है, बाकी घर पर ही रहता है। तो 24 तारीख के दिन रविवार को इसकी माँ और इसका भाई, ये दोनों मजदूरी करने के लिए गए थे और ये जो आरोपी है ये घर पर ही था। लड़की मेहंदी बना रही थी, दिन में करीबन 2-2.5 बजे की बात होगी। इसने लड़की को ये बुलाया और वहीं कमरे में इसको बुलाया, अपने पास में बिठाया और फिर इसके साथ में धीरे धीरे इसको गलत तरीके से टच करते हुए फिर इसने इसके साथ में अपनी सगी बहन के साथ में गलत काम किया। लड़की ने कहा कि, पीड़िता ने कहा कि मैं जो भी बात है अपनी माँ को बताऊँगी और बताऊँगी कि तूने मेरे साथ गलत काम किया है। तो भाई है, मारपीट करता है, तो इसने धमकी देके बोला कि अगर तूने मम्मी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूँगा या तेरे साथ फिर मारपीट करूँगा। तो डर के कारण इसने उस दिन को कोई भी बात नहीं बताई थी। परसों 26 तारीख को ये जो आरोपी है किसी काम से बाहर गया होगा, तो फिर इसकी माँ को पीड़िता ने पूरी बात बताई कि जो मेरा बड़ा भाई है इसने मेरे साथ में गलत काम किया है। फिर पीड़िता की माँ और उसका भाई आयुष दोनों को साथ में लेकर लड़की थाने पर आई थी रिपोर्ट करने के लिए। आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। आरोपी से जो पूछताछ की थी तो उसने बताया कि उस समय वो मतलब अश्लील वीडियो देख रहा था और उसके बाद फिर इसने गलत काम किया।